माफिया गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर जबरन काबिज होने का दुस्साहस करते थे, आज किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कोई माफिया और कोई पेशेवर अपराधी जबरन कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो सरकार का बुलडोजर भी खड़ा रहता है, तत्काल उसकी छाती पर बुलडोजर भी चलेगा। इससे पहले होली आती थी कर्फ्यू लग जाता था, दीपावली आती थी फिर कर्फ्यू लग जाता था, रामनवमी आती थी कर्फ्यू लगता था, जन्माष्टमी आती थी कर्फ्यू लगता था, शिवरात्रि आती थी कावड़ यात्रा सरकार नहीं निकालने देती थी, कहती थी दंगे हो जाएंगे। भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी संप्रदाय और किसी भी पंथ का अनुयायी हो, पर्व और त्योहार मनाने में उसको कोई कोताही नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से सभी पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं। ये लोग रंग बदलते हैं, इनकी स्थिति को देख करके कभी कभी क्रिकेट भी शर्मा जाएगा, कब ये लोग क्या बोले कोई भरोसा नहीं। याद करिए 2017 के पहले कहते थे जब उनकी सत्ता केंद्र में थी, 2005 से लेकर 2014 तक, तब ये लोग कहते थे राम की आस्था राम तो हुए ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। और जब अयोध्या में 500 वर्षों के विवाद का पटाक्षेप हुआ, समाधान हुआ, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई, अब कहते हैं राम तो सबके हैं। कितनी जल्दी पलटी मारते हैं, अगर सपा की सरकार होती और कांग्रेस की सरकार होती क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि का विवाद सुलझा होता, क्या ये लोग राम मंदिर बनाते। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।